next unit we will fill exercise related to the topic articles. Okay, and you know the articles, a and the. Articles कौन कौन से होते हैं बेटा? A and और the. So with the vowel sound we use and consonant sound we use a. Okay, so let's start now. Can you get me a hammer and a nail, please? Can you get me a hammer and a nail, please? Your first is right because we use a nail, not a nail. Next, my aunt has a air conditioner which she wants to sell. My aunt has an air conditioner. Okay, because a is a vowel word, so we use an for this. So this one is right. My cousin Saurav is an pilot. My cousin Saurav is a pilot. Pilot, P, it's a consonant, so we use here a. So like this, it's right. Next is, Ava has never traveled in a aeroplane. Ava has never traveled in an aeroplane. You know, aeroplane start with the vowel, so we use before it an. It's right. Shumati wrote a letter and put it in a envelope. Shumati wrote a letter and put it an envelope. Envelope start with vowel, so we use here an. Point number 6. Mohan's brother has to wear an uniform to office. Mohan's brother has to wear a uniform to office. अभी अभी इस चीज़ को हमने पढ़ा कि अगर कोई वर्ड भले ही वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है बट उसका प्रोनाउंसिएशन अगर कंसोनेंट्स का है तो भी वहाँ पर हम आ का यूज़ करेंगे. ओके, ध्रुव्स फादर इज अ इंजीनियर. ध्रुव्स फादर इज एन इंजीनियर. वी पुट हेयर. ललिता विजिटेड हर पेरेंट्स एन वीक. ललिता विजिटेड हर पेरेंट्स अ वीक है वो. वीक स्टार्ट विद डब्ल्यू सो वी यूज हेयर आ. लाइक दिस स्टेप योर एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. टिक द सेंटेंस इन विच आर्टिकल हैज बीन यूज करेक्टली. अब यहाँ पर हमें उस आर्टिकल पर टिक कर सेंटेंस पर टिक करना है जिसमें करेक्ट आर्टिकल का यूज़ किया गया हो. डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला विथ यू. आई मेट एन यूरोपियन टूडे. इट इज द हॉनर टू मीट यू. हॉनर के आगे द नहीं आएगा. यूरोपियन है इसके आगे भले ही इसका ई यू से स्टार्ट है बट ये हमारा वॉवल से भले ही स्टार्ट लेकर इसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट का है तो यहाँ पर एन का यूज़ नहीं होगा. आई लिव क्लोज टू अ रिवर. इट्स रॉन्ग. इट्स राइट एंड स्टाइल. ऑल द बॉयज इन माई क्लास पास द टेस्ट. इट्स करेक्ट. ओके, कम ऑन द एक्सरसाइज सी. फिल इन द ब्लैंक्स विद आ एन और द. वी विल यूज हेयर आ एंड द. द बाइबल इज़ द होली बुक. जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था बेटा कि किसी भी बुक्स के लिए हम द का यूज़ करेंगे. जॉन बोरोड अ बुक फ्रॉम हर फ्रेंड. द क्लास मॉनिटर सेड दैट द साइंस सब्जेक्ट के लिए हम वहाँ पर द का यूज़ करेंगे. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड एंड अ नोटिस बोर्ड. आई हैव नाइदर अ रेनकोट नॉर एन अम्ब्रेला. इट्स स्टार्ट विथ वॉवल सो वी यूज हियर एन. मीनाक्षी हैज़ अ पियानो इन हर हाउस. द पियानो ये चीज़ भी हमने पढ़ी कि जब किसी चीज़ को हम फर्स्ट बार रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर आ और एन का यूज़ करेंगे बट जब उसी चीज़ को हम नेक्स्ट टाइम भी उसी समय वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तब वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे. सो वी आर यूजिंग हेयर द. डू यू हैव अ बर्थडे केक. सो मीन द वन दैट हैज़ चॉकलेट आइसिंग. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव अ स्मॉल कॉटेज ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर. जोया सा अ पैराकीट एंड ऑल एन आउल इन हर गार्डन. आउल विद स्टार्ट विद वॉवल सो वी यूज हेयर एन. काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल एंड ईमू इज अ फ्लाइटलेस बर्ड. फ्लाइटलेस बर्ड. नाउ योर एक्सरसाइज सी इज कम्प्लीटेड. ओके, एंड डी एक्सरसाइज आई विल कम्प्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, यू स्टे एट होम. बी सेफ एंड हैप्पी और हेल्दी.
आई विल अगेन विथ यू टू टेक द रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे.